अयोध्या की सृष्टि 11 साल की है और इतने कम उम्र में राम लला का भजन करती है। मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जय कार। कितने सालों से आप कथावाचक कर रहे हैं? 2 साल। 2 सालों से? मैं कथा नहीं, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आपकी बेटियां जो इतना अच्छा भजन कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसे ट्रेनिंग दिया इनको? ये जब 4 साल की थी तभी ठाकुर जी ने इनको ले लिए। 4 साल के एज से ही ये भजन गा रही है? हाँ, भजन और कथा अपना। हाँ। 7 साल के एज तक अपना पूरी भागवत लिख डाली। साध्वी क्यों बनना चाहती? क्योंकि सनातन धर्म का हमें प्रचार प्रसार करना है। सनातन धर्म का प्रचार क्यों करना? यहाँ पर जो लोग हैं वो इस नई पीढ़ी में ज्यादा जाना चाहते, इसमें कुछ रखा नहीं है। चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर, पौवा में कटवा कहीं न चुभ जाए, चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर। अभी तक कहाँ कहाँ आपने कथा वाचक किया? बहुत सारी जगह कथा हो चुकी, सबसे ज्यादा कथा बिहार में हुई है। वहाँ पर जब जाती हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? वहाँ पर जब देखते हैं हमें, लोगों को लगता है कि हम ही भगवान। क्या कहना चाहते हैं? छोटी छोटी बच्चियाँ कथा वाचक है। जी जी, बहुत खूबसूरत गाती है, इनको नमन करना चाहते हैं। शौक नहीं था मेरी बेटी जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? उससे क्या होगा, ठाकुर जी की नौकरी करेंगी, राम लला की नौकरी करेंगी, सरकार की नौकरी करके क्या होगा। अयोध्या की सृष्टि 11 साल की है और इतने कम उम्र में कथावाचक बन गई है और साथ साथ भजन गाती है। राम भजन इनका सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप भी, और भी सुनने का आपका मन करेगा, चाह बढ़ जाएगी राम भजन की। देखिए अभी मुझे लता मंगेशकर चौक पे ये दोनों बहनें मिल गई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी माँ भी मेरे साथ है, अयोध्या की रहने वाली है। आप लता मंगेशकर चौक आई हैं, कैसा लग रहा है? राम जन्मभूमि की तैयारी चल रही है, राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो ऐसे में कैसा लग रहा है अयोध्या देखकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी अयोध्या सजेगी, आज इतना अच्छा लग रहा है देख करके। आपका नाम क्या है? सृष्टि मेरा नाम है। सृष्टि नाम है, आपका नाम क्या है? राजनंदिनी किशोरी। राजनंदिनी किशोरी और सृष्टि, देख सकते हैं दोनों बहनें हैं, और दोनों बहनें जब एक साथ मिलकर राम लला का भजन करती है तो लोग सुनते रह जाते हैं, तो भजन गाएंगी आप? जी। तो एक दो भजन हो जाए। मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार। मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। कौशल्या दुलारे हैं श्याम बदन सरकार, बजरंग के प्यारे हैं कमल नयन सरकार, धनुष बाण बने श्रृंगार तेरी हो रही जय जयकार। ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। ये बताइए आप कितने सालों से आप कथावाचक कर रही हैं? 2 साल। 2 सालों से? आप कितने सालों से कर रहे हैं कथा वाचक? मैं कथा नहीं, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। आप सिंगर बनना चाहती हैं? जी, मैं कथा आपके यहाँ सीखूंगी। अब सीखोगे आप? आप भी मतलब कथा वाचक जो होते हैं वो बनना चाहती हैं, साध्वी बनना चाहती हैं आप? जी। आप भी साध्वी बनोगी? साध्वी क्यों बनना? क्योंकि सनातन धर्म का हमें प्रचार प्रसार करना है। सनातन धर्म का प्रचार क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस नई पीढ़ी में ज्यादा जाना चाहते, इसमें कुछ रखा नहीं है, केवल बाहरी चीजें हैं। लोग इस लाइन में जा करके क्या करते हैं? कुछ नहीं। लेकिन हम ये जो सनातन धर्म, इसमें जो आनंद है, इसमें जो कुछ है, उस पीढ़ी में कुछ नहीं है, इसलिए हम सभी को सनातन धर्म में जोड़ने के लिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ आपने कथा वाचक किया? बहुत सारी जगह कथा हो चुकी, सबसे ज़्यादा कथा बिहार में हुई है। बिहार में? बिहार में कहाँ कहाँ? बहुत सारी जगह, मधुबन, मोतिहारी, चकिया, और बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सभी जगहों पर हो चुकी। बिहार में सबसे ज्यादा आप कथावाचक करने जाती हैं? जी। वहाँ पर जब जाती हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? लोग वहाँ पर जब देखते हैं हमें तो लोगों को लगता है कि हम ही भगवान हैं। अच्छा। भगवान के स्वरूप, भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो लोग हम ही भगवान मानने लगते हैं।
जी। क्या बात है, लोग क्या क्या करते हैं मतलब जब आपके सामने जब होते हैं? रिस्पेक्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख सकते हैं कथावाचक करती हैं, 11 साल की उम्र है, इतने कम उम्र में। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते कुछ, दो चार लाइन हो जाए कथा का जी। हाँ, किसके बारे में जैसे? आ, कुछ भी आप जब कथावाचक की हैं अभी तक, तो उसमें से दो लाइन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि जो लोग आपको पहले लाइव देख चुके हैं या फिर अभी देख रहे हैं तो उनको याद आ जाएगा जी। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्री सुखदेव जी के बारे में बताया गया, जब श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहते और जैसे ही पिता के बार बार आग्रह करने पर, वेद व्यास जी के बार बार आग्रह करने पर वे बाहर तो आते, परंतु बाहर आते ही वह वन की ओर चले जाते हैं और पिताजी वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह कर के अपने पुत्र को पुकार रहे, पुत्र एक बार पीछे मुड़ कर के देख लो, अगर तुमने एक बार पीछे मुड़ कर के देख लिया तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होगा। और कहते हैं पिता को, माता पिता को दो बार जीवन में सबसे अधिक दुख होता है। आप देख सकते हैं अयोध्या में जो है हर जगह राम राम हो रहा है, यहाँ ये कहे कि पूरे देश में राम राम हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं अयोध्या को जो साज सजावट हुआ है उससे लोग काफ़ी खुश है। आप अयोध्या की रहने वाले हैं जी, अयोध्या को इतना अच्छा से सजाया गया है, कैसा लग रहा है अयोध्या आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी अयोध्या को इतना सजे हुए देखा था क्या? नहीं, केवल दीपोत्सव जब होता था तभी लोग अपने घरों में इंतजार कर रही है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही भगवान का यहाँ पर आगमन होगा, हम सभी अपने घरों को, जैसे दीपोत्सव में हम लोग अपने घर को सजाते, वैसे भगवान के स्वागत पे। चलिए एक और भजन हो जाए जी साथ में। चलिए, चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर, पौवा में कटवा कहीं न चुभ जाए, पौवा में कटवा कहीं न चुभ जाए, चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर, बगिया में जाई के फलवाल आई, बगिया में जाई के फलवाल आई, आइए तो उनका खियाई बहो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर, बेला चमेली से मुकुट बनाई बे, बेला चमेली से मुकुट बनाई बे, आइए तो उनका पहनाई बहो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर, रैया हम फूल। ताली बजा दीजिए इनके लिए। रामचंद्र की जय, गा रही है रामचंद्र की। लोगों का गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं? छोटी छोटी बच्चियां हैं, कथावाचक हैं जी जी, बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, इनको हम नमन करना चाहते हैं। और सुनना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, जाते जाते एक और सुना दीजिए। हाँ, राम आएंगे वाला सुना दीजिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी,
मेरे जिंदगी के सारे दुख। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत अच्छा गा रहे हैं। रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा लग रहा है चाचा, इतनी छोटी छोटी बच्चियां जो है गाना गा रही है। ये सब भगवान का अवतार हो चुका है और सतयुग आ गया है। अच्छा, आप एक कोई अकेला कोई भजन गा दीजिए। राम के भक्ति पावे खातिर हो, राम के भक्ति पावे खातिर हनुमत से अर्ज लगावा हो। दुनिया जह का पावे कैतर से, वो का प्रभु से पावा हो। ना ही कोनो घुसा पलूसी आवे अयोध्या ना कनफूसी, ना ही कोनो घुसा पलूसी आओ अयोध्या ना कनफूसी। मंदिर माए के हो, मंदिर माए के दर्शन वा पावा हो। दुनिया जे का पावे कैतर से, वो का प्रभु से पावा हो। क्या बात है, इनकी माँ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपकी बेटिया जो इतना अच्छा भजन कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे ट्रेनिंग दिया इनको बचपन से ही आप भजन में, इनको कैसे सिखा दिया? ये जब 4 साल की थी तभी ठाकुर जी ने इनको ले लिए। 4 साल की एज में ही ये ठाकुर जी को, 4 साल के एज से ही ये भजन गा रही है। हाँ, भजन और कथा अपना। हाँ। 7 साल के एज तक अपना पूरी भागवत लिख डाली है। आपकी बेटी कह रही है कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, साध्वी बनूंगी। आपका बन चुकी है? बन चुकी है। आपका शौक नहीं था कि मेरी बेटी जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? अब शौक था, जब अब उससे क्या होगा। ठाकुर जी की नौकरी करेंगी, रामलला की नौकरी करेंगी, सरकार की नौकरी करके क्या होगा। बहुत बड़े बड़े बात कह रही है, करेंगे सनातन का प्रचार करूंगी। बहुत अच्छा। अब देख सकते हैं, माँ भी चाहती है कि ठाकुर जी का सेवा करें और बेटी जो है कहीं ना कहीं इतना अच्छा भजन गाती है, इनको सुनने के लिए लाखों लोग एकजुट हो जाते हैं इनका कथा सुनने के लिए। बहरहाल, वीडियो कैसे लिए कमेंट में लिखेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।